हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं टोसिस की सर्जरी। टोसिस बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होता, हालांकि बहुत कॉमनली हमें प्रॉब्लम मिलती है। टोसिस का मतलब है कि हमारी आंख की जो ये पलक है, ये उसकी एक फिक्स जगह होती है कि हर इंसान में जो आंख में पलक होती है वो इस तरह से डिजाइंड होती है कि जो हमारी काली पुतली है वो ऊपर से 1-2 मिलीमीटर कवर होती है इस पलक से, और नीचे की काली पुतली जो है पलक को बस टच करती है। तो एक सिस्टम सेट है कि आंख की एक नॉर्मल सिमेट्री में पलक की एक पोजीशन है। लेकिन अगर ये पलक नीचे की तरफ गिर जाए या नीचे की तरफ हो जाए तो इस प्रॉब्लम को हम लोग टोसिस कहते हैं। जैसे अभी आप ये सब पिक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये नॉर्मल आंख हो गई और ये टोसिस वाली आंख हो गई। तो टोसिस का मतलब है पलक बेसिकली लटक गई, एक सर्टेन पोजीशन से नीचे आ गई। तो इसकी वजह से एक तो इंसान दिखने में थोड़ा सा खराब लगता है कि एक आंख की पलक पूरी है, एक आंख की पलक लटकी हुई है। या अगर पलक एक सर्टेन लेवल से नीचे हो जाए तो वो पुतली को कवर भी कर सकती है और आंख की नजर भी कम हो सकती है। तो टोसिस ऑपरेशन में बेसिकली हम इस पलक को उठा देते हैं और पेशेंट को कॉस्मेटिकली दिखने में भी नॉर्मल कर देते हैं। और अगर पलक सपोज विजुअल एक्सिस के फील्ड में आ रही है, प्यूपुलरी एरिया में आ रही है, तो उसको भी हम वहां से अनकवर करके पेशेंट को कंफर्टेबल कर देते हैं। तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर राज आनंद। डॉक्टर राज आनंद ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन है। ऑक्यूप्लास्टिक का मतलब है कि यूजुअली ये जो पलक के ऑपरेशंस होते हैं ये स्पेशल सर्जन करते हैं, ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन, जो आंखों की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। तो ये सर्जरी डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं डॉक्टर राज आनंद। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये सर्जरी होती कैसे है। माय नेम इज आकाश शर्मा, आई एम फ्रॉम मथुरा। प्रॉब्लम ये थी कि एज यू कुड सी आई में, मेरी राइट आई में स्वेलिंग थी। पहले ये कम थी बट अब थोड़ा ज़्यादा विजिबल होने लग गया बिकॉज फोटोज क्लिक होने लगे, तो मुझे खुद भी मतलब पता चला कि मतलब थोड़ी डिसिमिलैरिटी है। मैंने डॉक्टर राज को अपनी बात बताई कि पहले थोड़ा ये कम था लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है ये बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर राज ने फिर उसको टेस्ट वगैरह करे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये टोसिस, इसकी भी एक सर्जरी होती है टोसिस सर्जरी, उन्होंने सर्जरी के लिए बोला था एंड फिर आज मैं सर्जरी कराने के लिए आया। सो आज हम मिस्टर आकाश की टोसिस सर्जरी करने वाले हैं। इनकी राइट आई है वो कम खुलती है कंपेयर टू लेफ्ट आई, जैसा आपने फोटोग्राफ में देखा है। इसकी वजह ये होती है एक मसल होती है जो कि लिड को लिफ्ट करती है, वो वीक हो गई है। हमें उस मसल को एक्सप्लोर करना है और वापस अपनी जगह पे रीअटैच करना है। उसके साथ दोनों आंखें एक जैसे खुलेंगी, जो कॉस्मेटिक ब्लेमिश है वो ठीक हो जाएगा। हमने मार्क कर लिया है, अभी मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे वो एरिया नम हो जाएगा, फिर इनको कोई पेन का पता नहीं चलेगा। बस इतना ही पेन का पता चलता है आकाश। 5 मिनट वेट करेंगे, एरिया को हम क्लीन कर लेंगे। ऑलराइट, खोल आँख, दोनों आँख आराम से खोल लो आकाश। खोलो दोनों आँख, देखो सामने, बहुत बढ़िया, अच्छी खुल गई है। ठीक है, थोड़ी बहुत सूजन वगैरह रहती है, ड्रॉप्स बता दें। एक बार फिर से देखो सामने, बंद करो आँख, खोल लो, ब्यूटीफुल। ठीक, सर नीचे कर लो, चक्कर तो नहीं आ रहा। ठीक, तो अभी आपने देखा टोसिस करेक्शन, मतलब जो पलके नीचे आ जाती है उसको हम कैसे ठीक करते हैं। वो बहुत ही डेलिकेट मसल होती है, उसको एक्सप्लोर करके वापस अपनी जगह पर रीअटैच कर देते हैं। उसके साथ दोनों लिड जैसा आपने देखा ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन से बाद वो एक जैसी हो गई थी। थैंक यू।